तालाब तिल्लो से हमारा जो है ये रोड आ रहा है, यहाँ पे हम बख्शीनगर को लिंक करता है। ये कभी कोई पेशेंट ऐसे हो जाए हालत हो तो बख्शीनगर एमरजेंसी पे जाना पड़े तो यहाँ से हमें टर्न करना पड़ रहा है दोबारा, तो यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनको पहले रैंप बनाना चाहिए था, तो रैंप बना नहीं, पीछे से भी एंट्रेंस वहाँ पर भी नो एंट्री कुछ नहीं लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये देखना चाहिए, शासन ने भी देखना चाहिए उन्होंने कि ये सब तो इंतज़ाम ना तो होने चाहिए। रैंप बना देते तो कितना आसान होता, सब चले जाते। ये देखो कैसा ये किया हुआ, ये सिस्टम है ही नहीं कोई कुछ भी इनका। नेशनल हाईवे बन रहे हैं तो लोगों की सहूलियत के लिए बन रहे हैं, ये हम बात मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों की सहूलियत के लिए बन रहे हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर दुखदाई भी हैं। अगर आपने यहाँ से लेके पूरा बॉडी तक देखा होगा, जितनी भी लेन्स थी बाई लेंस छोटी सब्ट्रैक्ट लेन जाती थी वो सब इन्होंने बंद कर दी हैं। अब आपके मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे इस वक्त कोरोना पीक पे चल रहा है, यहाँ से तालाब तिल्लो या भगवती नगर से जितने भी यहाँ पे पेशेंट आएंगे उनको ऑन द वे यही एक सिंगल रास्ता है जो गाड़ी बख्शीनगर तक जाती है। लेकिन हाईवे वालों ने यहाँ पर पूरे का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया हुआ है। तालाब तिल्लो से देखा जाए तालाब तिल्लो विकास लेन और फ्रेंड्स लेन में जो रोड्स वाइड जाती हैं उनको इन्होंने पूरा ब्लॉक करके रख दिया हुआ है। वहाँ पर 7 नंबर गली के बाहर भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जहाँ पर फ्लैट्स के पास, लेकिन आज तक वहाँ की सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जो जो लोगों की सहूलियत के लिए नेशनल हाईवे बना रहे हैं वो तो बेटर है, लेकिन जो वाई लैंड्स हैं लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं, जो 2 लाख संख्या यहाँ पे रहती है उनको भी तो देखना चाहिए, उनके लोगों के लिए रास्ते तो छोड़ने चाहिए। चलो इस वक्त आपने 4 व्हीलर्स के लिए रास्ते नहीं छोड़े हैं, लेकिन 2 व्हीलर्स के लिए तो एक लाइन छोड़नी चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में एक सहूलियत प्राप्त हो सके। वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।